अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू इशू कुकिंग चैनल। तो आज हम बनाएंगे दाल कोफ्ते बनाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली मज़ेदार और लजीज रेसिपी आप देख सकें। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। सबसे पहले हम लोग दाल को क्या कर लेंगे, सॉक कर लेंगे। बाउल में सबसे पहले हमने जो दाल लेनी थी वो चना दाल लेनी थी। उसके बाद हम लोगों ने माश दाल लेनी है। उसके बाद हमने मूंग दाल लेनी है। मूंग दाल लेने के बाद हाफ कप मसूर दाल लेनी है, ठीक है। मसूर दाल लेने के बाद आपने चना दाल लास्ट में ले लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक कप वाटर डाल देना है, ठीक है। और 30 मिनट के लिए इसे पानी में भिगो के ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें थोड़े से हाथ लगाने हैं, ठीक है। हाथ करने के बाद आपने क्या करना है, इस पानी को गिरा देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो दाल है ये आपने कुक में डाल देना है, ठीक है। हाफ चम्मच आपने हल्दी डाल देनी है, ठीक है। हाफ चम्मच आपने साल्ट डाल देना है। तो बे के जो पत्ते हैं वो दो आपने डाल देने, ठीक है। एक चम्मच आपने घी डाल देना है, ठीक है। 3 कप आपने वाटर डाल देना है इसमें। तो उसके बाद आपने इसका ढक्कन बंद करना है, ठीक है। और ऊपर इसका वेट लगा लेना है और इसे 5 मिनट के लिए रख देने। जैसे ही 5 मिनट गुजर जाएंगे हम इसे खोलेंगे तो मतलब ये पक जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह किस तरह का कलर आ गया, कितनी मज़े की लग रही है ये। उसके बाद आपने क्या करना है, एक फरमान में आपने 2 टेबलस्पून घी डालने हैं, बेक एक पत्ता डालने हैं। उसके बाद आपने 4 क्लोव्स डालने हैं, लौंग डालने हैं। उसके बाद आपने चमन मतलब ये ज़ीरा डालने हैं, रेड चिली आपने डालनी है, ठीक है। और इसे अच्छी तरह से आपने पकाना है, ऊपर लो फ्लेम पे आपने इसे अच्छी तरह से पका लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर प्याज डाल देने हैं और उसके बाद आपने क्या कर देना है, थूम डाल देना है उसका पेस्ट। तो उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से फ्राई कर रही हूँ। सही तरह से इसे पकाना है, गोल्डन ब्राउन इसका कलर करना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, हल्दी डाल देनी है हाफ चम्मच आपने चिल्ली पाउडर। उसके बाद आपने 1 चम्मच धनिया डालनी है। उसके बाद आपने चुमन पाउडर डालना है। उसके बाद आपने 1 चम्मच या हाफ चम्मच साल्ट डाल देना है और इसे अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर डाल देना है, ठीक है। टमाटर डालने के बाद आपने इसे भी अच्छी तरह से पका लेने हैं इस मिक्सर के अंदर। आप देख सकते हैं इसका कितने मज़े का कलर आ रहा है, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी छोटे हो गए हैं। आपने चम्मच की मदद से टमाटर जो हैं उन्हें आपने छोटे कर लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो मिक्सचर ऑलरेडी तैयार हो गया है, ये जो हमने भी लगाया था। उसके बाद जो आपने दाल कुक की थी वो आपने इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। डालने के बाद आपने इसे पकाना है, ठीक है, मिक्स कर लेना है पहले। उसके बाद आपने इसे सही तरह से पका लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये तैयारी होगी। लेकिन उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे देना है, ठीक है। ढक्कन देने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर दाल सही तरह से एब्जॉर्ब हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, गर्म मसाला 1 चम्मच डाल देनी है, कसूरी मेथी डाल देनी है आपने, ठीक है। हाथ की मदद से इस तरह करके 1 चम्मच, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, ओरिएंडर पुदीना डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और थोड़ी देर के लिए पकाना है। उसके बाद आपने एक डेगची में 1 चम्मच घी डालना है, साथ में चुमन पाउडर डालना है, ठीक है, और 1 चिली पाउडर डालना है, ठीक है, 1 चम्मच या हाफ। उसके बाद रेड चिली आपने ड्राई हो वो डालनी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो मिक्सर होगा ये ऑलरेडी तैयार हो गया और आपने जो भी बनाया था रेड चिली का वो उसके ऊपर आपने डाल देना है, ठीक है। तो आपके पास ये जो दाल कोफ्ते थे वो ऑलरेडी आपके पास तैयार हो गए हैं। लास्ट में वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा।